नमस्कार, आप सभी का हमारे सेमरा दर्पण वेब पोर्टल पे स्वागत है। आज आपके सामने एक ऐसे युवा से मुलाकात होगी जो आपको बताएंगे कि सेमरा फाउंडेशन संगठन की शुरुआत कब और कैसे की। हमारे साथ लाइन पे है संगठन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम सिंह, जो कि इंजीनियर की पढ़ाई करके नौकरी ना करने के बजाय चुना समाज सेवा का रास्ता। आज मैं आपके सामने अपने विचार व्यक्त करूंगा और इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक सेमरा फाउंडेशन का संस्था, एक समाज सेवी संस्था का गठन 7 जुलाई 2017 को हुआ है। समाज के मुख्य उद्देश्य जो है हमारे, बाल विकास, ग्रामीण विकास, शिक्षा विकास, महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, भ्रष्टाचार और रूरल डेवलपमेंट, तो ये हमारे उद्देश्य हैं। इसके ऊपर हम समाज में कार्य करते हैं, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी आज इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी गंदी सोच है कि उसके प्रति हमें लोगों को जागरूक करना है, अवेयर करना है, लोगों को उनको बताना है हर एक चीज समाज की कि जो उनके अधिकार हैं, वो राइट वो उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक इंजीनियर हो के बैंक की नौकरी छोड़कर ये सब कुछ करके अगर आज मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, तो हमारा इसके पीछे कुछ एक अहम मुद्दा है, अहम टारगेट है कि जिस परिस्थिति, जिन हालात से हम संघर्ष किए हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि गांव और समाज में उस परिस्थिति, उस हालात से और कोई भी संघर्ष नवयुवक करे। क्योंकि हमें आज नहीं, हमारा मिशन है 2022 रूरल डेवलपमेंट, एक भारत को एक नई दिशा देनी है, समाज को एक नई दिशा देनी है 21वीं सदी के लिए। क्योंकि एक 21वीं सदी समाज के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा आंदोलन है हमारा, जो कि अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल से आप शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट आप देख सकते हैं, उसमें हम अभी तक कुछ ऐसे कार्य कर चुके हैं समाज में। विधवा महिलाओं को साड़ी वितरित करना, हर लड़की की शादी में कन्या धनराशि देना, और हमारे 8 स्टेट के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संगठन से, और हम नेशनल लेवल पे रजिस्टर्ड हैं, हेड ऑफिस हमारा दिल्ली है। हम पूरे भारत में कहीं भी काम कर सकते हैं जाके, जैसा कि हमारे पास छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र आदि, इन सभी जगह हमारे लोग सदस्य हैं, और वो निरंतर समाज को एक नए उत्थान की तरफ ले जाने के लिए निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं पूरी टीम और, क्योंकि ये हम सहायता समूह के तर्ज पे काम करते हैं। सहायता समूह की तरफ पे हम सब लोग यंग जनरेशन मिलकर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, नीयत इतनी है, बेटा किसी को नहीं, सबको चाहिए बेटा, बेटी किसी को नहीं चाहिए। तो ये जो गंदी सोच है लोगों के, आजकल घर में लड़की होती है तो कहते हैं कि अरे यार लड़की हुई, और बेटा जन्म लेता है तो बड़ी धूमधाम से ऑर्केस्ट्रा करते हैं, डांसर बुलाते हैं, खाना पीना पार्टी देते हैं, आखिर क्यों? उस बेटे के लिए तो भी किसी की लड़की लाओगे बहू बना के? क्यों? क्यों ये सोच है? क्यों? अपनी सोच को बदलना है, अपनी नजरियों को बदलना है, और जिस दिन ये चीज बदल गई, उस दिन हमें सिर्फ अपने आप को बदलना है। हर इंसान अपने आप को बदले, अपने आप को सोच को बदले, समाज ऐसे ही बदल जाएगा, किसी राजनेता की जरूरत नहीं है समाज में। तो वो चीज हमें लोगों को बताना है, वो चीज हमें लोगों का ऐसे निरंतर कार्य करते। बहुत लोग होते कहते ना, बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियां, बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियां, माँ बाप को कष्ट होता है तो रोती हैं बेटियां, माँ बाप को कष्ट होता है तो रोती हैं बेटियां, सारी दुनिया का बोझ उठाती हैं बेटियां। ए दुनिया वाले, हमें बताओ फिर क्यों बोझ लगती हैं बेटियां? क्यों? क्योंकि बेटियों के प्रति, समाज के प्रति अपने आप को विचारधारा, अपने आप की मेंटालिटी को हमें सुधारना है, एक नए समाज की तरफ हमको ले चलना है। तो इसी के माध्यम, हम अपने संगठन के माध्यम से, और इसमें हमारे कार्यकर्ता निरंतर लगे हुए हैं, देवांशु तिवारी राष्ट्रीय सह सचिव जी, हिमांशु सिंह कोषाध्यक्ष, सारे लोग निरंतर काम कर रहे हैं समाज के। और अभी आगामी 18 नवम्बर को 2 महाजनसभा करेंगे गांव के बीच में बैठकर, उनको लोगों को जागरूक करना समाज के, उनके जो अधिकार हैं, राइट हैं, ह्यूमन्स राइट्स हैं, मानव के जो अधिकार है उसके तहत उनको वो चीज मिलनी चाहिए। क्योंकि गांव और समाज में क्या चाहिए? कमाता आदमी अपना है, खाता अपना है, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज चाहिए लोगों को गांव और समाज में जीवन यापन करने के लिए। कहते ना, कभी आत्महत्या का कोई भी वो नहीं सलूशन है कि हम बहुत चिंतित हो गए, हमारे ऊपर कर्जा है, हम सुसाइड कर लें, हम मुक्ति नहीं, सुसाइड करने से क्या, सुसाइड बुजदिल लोग करते हैं, कायर लोग करते हैं, साहसी लोग कभी सुसाइड नहीं करते हैं।
क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि हमारे सुसाइड करने से सलूशन खत्म हो जाएगा। सलूशन कभी खत्म नहीं होता दोस्तों। और आपके सुसाइड करने से किसी को पछतावा नहीं होगा, पछतावा होगा तो सिर्फ आपके माँ बाप को पछतावा होगा। अरे सुसाइड क्यों करना है? ऐसा काम करना समाज में कि जो लोग आज आपसे घृणा करते हैं वो भी आने वाले टाइम में सोचे कि एक मैंने कोहिनूर हीरा खो दिया है, आज वो शख्स इतना लायक हो गया, वो ऑटोमेटिक आपके पीछे आएंगे, आप चलते जाइए कारवां आपका बनता जाएगा। तो ये समाज में कोई हम नया काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई भगवान का अवतार नहीं है कि हम शक्ति मारेंगे सब सही हो जाएगा समाज में। नहीं, लोगों को जागरूक करना, उनका सपोर्ट करना, आर्थिक सहयोग देना। और कहते हैं ना, हुनर है तो कद्र है। अगर आपके अंदर वो टैलेंट, वो जोश और जज्बा है समाज के प्रति कुछ करने का, तो हर चीज संभव है। कोई दुनिया में ऐसी वस्तु नहीं है जिसे इंसान ना कर सके, क्योंकि ये स्ट्रांग विल पावर, ये माइंड इतना पावरफुल है, इसकी मदद से इफ यू कैन ब्रेक इट, इफ यू कैन मेक इट, इफ यू कैन बिकम मेंटली स्ट्रांग, इफ यू कैन स्ट्रांग मेंटली, यू कैन एंडलेस होप, यू कैन होपलेस एंड। तो ये माइंड की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, गाड़ी, ट्रक, एरोप्लेन, कंप्यूटर, इन सभी चीज का निर्माण कौन किया है? हम जैसे इंसान लोग। हम अपने माइंड का सिर्फ 5% नहीं यूज करते हैं, 5% अपने माइंड का यूज कर लेना तो दुनिया की कोई हस्ती नहीं है कि जो इंसान से टक्कर ले सके, क्योंकि हम लोग अपने माइंड को यूज नहीं करते हैं। ये अनयूज्ड ब्रेन है, अगर इसको मार्केट में भी बेचेंगे ना तो अच्छा। जी हाँ, लाइन कट गया है। जैसा कि आपने सुना, 25 वर्ष की आयु में शिवम सिंह की सोच के कारण आज संगठन आज पूरी दुनिया में छाता हुआ। ऐसी तरह समाज के हर मनुष्य को ऐसा होना चाहिए। रायबरेली से एक बड़ी खबर आती हुई, भाजपा नेता अतुल सिंह ने गरीबों की बांटा कंबल। हमारे संवाददाता अमित यादव से आती हुई खबर, रायबरेली विधायक अदिति सिंह ने काशीराम कॉलोनी में मीटिंग आयोजन कर लोगों को किया जागरूक। एसटी न्यूज देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और आगे के खबरों के लिए एसटी न्यूज से जुड़कर स्वच्छ समाज के निर्माण में साथ दीजिए। हम नजर हर खबर पर सिमरा दर्पण वेब पोर्टल के साथ।